गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी। तो इसमें देखिए आपका नया पाठ है, ये नया न्यू लेसन दोस्त की पोशाक। चैप्टर फाइव है आपका और पेज नंबर है आपका 35। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 35 पे आ जाइए, दोस्त की पोशाक। ध्यान से इसको, जैसे मैं पाठ पढ़ूंगी, आप इसको ध्यान से सुनिए और अपनी बुक में देखिए। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गप सप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम अच्छे, खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे पड़ोसी है, नसरुद्दीन है और उसका दोस्त का ये चित्र बना है। आगे देखिए, नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने के को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ये क्या है आपकी कहानी, दोस्त की पोशाक। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके इससे मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी और ये आज आपका काम है, दोस्त की पोशाक। तो इसको ध्यान से पढ़िए, पेज नंबर 35 है आपका।